नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फतेहपुर जिले के औंग थाने के औद्योगिक इलाके में फैक्ट्री में आग लगने से करीब एक दर्जन मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिसमें 7 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि औद्योगिक इलाके में त्रिवेणी सॉल्वेंट्स के नाम से फैक्ट्री चलती है, जिसमें खली से तेल निकालते वक्त तेल का रिसाव के चलते पास में हो रही वेल्डिंग से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने काम कर रहे करीब 1.5 दर्जन मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 7 मजदूरों की हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है। आग से बुरी तरह से झुलसे मरीजों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से कुछ मजदूरों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं आग की खबर लगते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया। आग लगने की खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई तो ग्रामीणों समेत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका। हादसे में झुलसे कर्मियों को आनन फानन में पास के अस्पताल गोपालगंज सीएससी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से झुलसे कर्मियों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पेट्रोल से जो है खली से तेल निकाला जाता है, तो उसमें रह गया था पाउडर, तो पेट्रोल रह गया था और बगल में जो है वेल्डिंग हो रहा था कुछ दूर पर, पेट्रोल से जो है वो वेल्डिंग से जो है आग पकड़ लिया उसने। कौन सी फैक्ट्री है? त्रिवेणी सॉल्वेंट्स है। अच्छा, कितने लोग झुलसे हैं? करीब 8-9 तो ये पुलदार है, करीब 16-17 लोग। कितने लोग झुलसे हैं? अब हम भागने के चक्कर में जो है आगे भाग गया है। केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री आम के पास, तो उसी में अचानक केमिकल ये लोग बना रहे थे, तो वो वेल्डिंग करते वक्त इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसमें अचानक से आग लग गई, जिनमें ये लोग झुलसे। कितने मजदूर झुलसे? लगभग 17-18। अच्छा, कितनों की हालत गंभीर है? 7-8 लोग हैं, जिनकी ज़्यादा हालत गंभीर है। कहाँ पर फैक्ट्री है ये? औंग के पास है। क्या नाम है आपका? मजदूर झुलसे हैं और क्या उपचार किया जा रहा है? ये औंग थाना क्षेत्र में त्रिवेणी सॉल्वेंट्स नाम की एक फैक्ट्री है जो इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है। आज शाम को 5:45 के आसपास सूचना मिली थी कि जो वहाँ प्योरीफायर का टैंक है उसमें पेट्रोल में आग लग जाने की वजह से करीब 1 दर्जन मजदूर झुलस गए हैं, जो प्राथमिक इलाज के लिए यहाँ सदर अस्पताल में आए हैं, इनका उपचार कराया जा रहा है। जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब है उन्हें हम रेफर करवा रहे हैं। कुल कितने लोग ऐसा झुलसे हैं? कुल अब तक यहाँ पर 1 दर्जन लोग आ चुके हैं। हालत कैसी है मरीजों की? अब डॉक्टर देख करके बताएंगे, लेकिन लगता है कि 4-5 मरीजों की हालत ज़्यादा ख़राब है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।